Oh,
Thank you.
Thank you.
पानी ऊपर जाएंगे, जिनकी कुछ पानी नहीं रहेगी वो ऊपर भजन करेंगे। तुलसी को आरती के अपना भजन करते करते, तुलसी की वंदना करते करते कीर्तन के साथ सब लोग सब लोग चार चार के ऊपर है और बाकी बाकी आप शुरू करो। हरे और जय महाराज जी बोलते थे पैसा लगे ना पाई हरि नाम से।
ये बच्चे पबजी खेलते हैं, बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, टीवी लगा सुबह रात हो गई, खाना खाया नहीं खाया, होश नहीं रहा, ये बच्चों की लत लगी। आजकल की जो युवा जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो जानती नहीं है, they are addicted to mobile phones, they are addicted to your welcome. Thank you very much. Thank you very much. ये उत्साह हमारा वर्तन के लिए हमारी मीडिया दिल्ली से आई है। हरे कृष्ण जनता का वर्तन कौन है? ऐसा नहीं है कि ये इतने में जानती नहीं है, हम इसे जानते नहीं है। ये रेगुलर सी चैनल में संकीर्तन युवा संघ का पिछले साल सवा साल से जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, ये शी इज अ वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट। प्रोग्राम में क्या कमी है, क्या कुछ बढ़िया बात है, वो उसका पूरा अच्छे से विवेचन करती है, जानती है। वेलकम, यू वेलकम। तो वो बच्चे जो मोबाइल फोन में घुसे हुए, बाहर निकालना मुश्किल है। वो बच्चे जो तरह तरह फिल्मी गानों पर नाच करके उन्हीं तरह फिल्मी एक्ट्रेस और एक्ट्रेस की तरह बनना चाहते हैं, वो बच्चे, अब बच्चे मैं नहीं जानता, उनके घर वाले बोल चुके हैं। जब से सी जयनगर में संकीर्तन युवा संघ शुरू हुआ, सी जयनगर युवा संघ शुरू हुआ, घरों में बहुत शांति का प्रेशर नहीं, प्रेशर किस बात का? अगले सप्ताह मैंने खड़े होकर उपदेश अमृत श्लोक का पाठ करना है। अगले सप्ताह मैंने जीवन गोस्वामी की छोटी सी जीवन चरित्र बोलना है। अगले सप्ताह रूप गोस्वामी की तिरुभावती थी है, रूप और संगीत मैंने सबको परिचय देने हैं। बच्चा पूरे हफ्ते, पूरा हफ्ता रूप गोस्वामी का चरित्र पढ़े, उसके जो संबंधित शिक्षाएं वो गेन करेगा, करेगा कि नहीं? जो बच्चा कहने पर भी सुना, मेरे याद हो गया, मैं जल्दी जल्दी बोल, मैं तो वेट ही कर रहा था तुम्हारा, है ना? तो ये बच्चे जो रात को ऐसे ऐसे बड़े कलाकार हैं हमारे पास, रात को जागते थे और सुबह सोते थे, वो मुझे, मैंने पूछा प्रभु क्यों जागते हो रात को, ऐसा भी था।
सब सबके सामने गुरु महाराज जी की एक कथा में से हमारे पति पावन परम करुणा में नित लीला प्रविष्ट कुछ बात दंडी स्वामी शिष्य भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी की कथाओं में से ही एक कथा का आपको नाटक रूप में प्रस्तुत करते हैं। नाटक का नाम है पाक प्रणाली। पाक प्रणाली, पाक प्रणाली मतलब बनाने की विधि, वो क्या कुक बुक है ना, ये इसका विषय है। बच्चे इसका करेंगे, अभी नाटक करेंगे। और आप लोग, मेरी एक दरखास्त है, देखिए बच्चों की एकमात्र सैलरी प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जी। ये लो खाना। खाना? ये क्या बना है? हमारे गुरुदेव कुछ बार भारती महाराज जी से भी हमने सुना, हम
हमारे गुरु जी से भी सुना यही कथा, कहते कि अगर किताब को देखकर, ये बच्चे ने किताब ली थी ना कुक बुक, किताब को देखकर ही अगर सामग्री तैयार हो जाए तो हर व्यक्ति बाजार से किताब लाए और खाना बनाना सीख जाए। ये कभी प्ले में आपको क्या दिखाया, आधी कटोरी चावल है घर में, उसके अंदर उसे समझ नहीं आ रहा कि दूध कितने डालें। जो लोग खीर बनाना जानते हैं, हमारे माता जी लोग, वो जानते हैं कि कितना एक कटोरी चावल में कितना दूध पड़ेगा। वो घर में 5 लीटर दूध पड़ा, 5 लीटर दूध डाल दिया, अब वो दूध उबल रहा है, उफन रहा है, उफन रहा है, दूध क्या करे क्या करे, दूध गिर रहा है, ना बच्चे को समझ आ रहा है ना पिता को समझ आ रहा है, क्या करे, कोई फायर ब्रिगेड बुला रहा है, कोई भूख मार रहा है, क्या करे। अगर यही कोई एक्सपर्ट माता होती यहाँ जो बैठी, क्या करती जी बोलिए, क्या करती दूध उबलने पे, गैस धीरे कर देते, एक समझ आ रही, और क्या कर सकते बताइए, हैं? एक ताली। दिल्ली का बड़ा प्रभाव है पंजाब पे आजकल, दिल्ली की सरकार पंजाब में भी है, हरे कृष्णा। तो अब वो दूधूंगा भगवत गीता की और यहां पे सच के आ जाऊंगा कि ईश्वर मैं बोलूंगा। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु क्या शिक्षा दिए, जाओ भागवत पढ़ो, है वैष्णव स्थाने, वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। भागवत या भगवत गीता या हमारे शास्त्रों में जो पूर्ण ज्ञान है वो किसके पास निहित है, किसकी वस्तु है, उस टाइम ओम प्रकाश
महाराज जी ने इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया, और उन्होंने इस प्रोग्राम का खुद नाम रखा, नाम रखा श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ। क्यों नाम रखा? गुरु महाराज जी बोलते कहते क्लब, अभी क्या नाम है? हमने बोला चैतन्य यूथ क्लब। तो
अभी बच्चों को बताऊंगा जिन्होंने एक साल हरिनाम लिए हुए जिनको पूरा हो गया, इसी साल हरिनाम लिया और इसी साल हरिनाम पूरा हुआ होगा। और सबसे पहले तानिश प्रभु, तानिश तुम्हारे तानिश भावना, हरि बोल भावना नाम लिया ऐसे ही सब सीखने। राधिका, कार्तिक, धर्मवीर प्रभु, धर्मवीर प्रभु हमारे 70 साल के युवा, ये प्रोग्राम में रेगुलर मिस्टर हैं और कहते प्रभु जी मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं भी युवक हूँ, मुझे भी युवा संघ के प्रोग्राम में आना है। क्या हमारे धर्मवीर प्रभु जी, मैंने कहा प्रभु जी एज का कोई नहीं। वो कहते हैं मैं युवा इसलिए हूँ कि मठ में से नया जुड़ा, अभी तो बच्चा हूँ, कहते युवा भी नहीं हुआ, कहते मैं मठ से नया जुड़ा हूँ। धर्मवीर प्रभु और आज आए नहीं किसी कारणवश शायद हमारे लुधियाना की माधवी दीदी और सरदार जसपाल सिंह, सरदार जसपाल सिंह और माधवी दीदी को लुधियाना से है। सरदार जसपाल सिंह पंजाब पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब करते हैं। श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ का कार्यक्रम रेगुलरली देखते हैं और मेरे साथ रेगुलरली संपर्क में, हर प्रोग्राम के बाद या कभी ना कभी आराधने का मन कोई अपडेट नहीं लेते हैं। सरदार जसपाल सिंह ने अभी बलराम पूर्णिमा पे हमारे वर्तमान आचार्य पूज्यपाद गणेश स्वामी शिष्य पर भक्ति विचार विष्णु महाराज जी से हरिनाम दीक्षा ली। और हरिनाम दीक्षा कैसे ली, केशधारी सरदार पगड़ी बांधने वाले सरदार जी उस दिन मस्तक मुंडन करकर गुरुदेव के चरणों में शरणागत होकर उन्होंने हरिनाम दीक्षा ली। मुझे फोन आया कि की करना जी दसो, करने चाहिए नहीं करने चाहिए, मानसा दे प्रभु जी हैं मेरे ऊपर बड़ा बोल रहे हैं कि जी अगर तो शरणागति लेनी है तो क्या। मैंने तो देखिए ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, मेरे को मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ महाराज नहीं कहेंगे आपको, महाराज जी मेरे बहुत दयालु हैं, सिर में केश रख के भी हरिनाम कर सकते हैं, पगड़ी बांध के भी हरिनाम कर सकते हैं, परंतु उनके हृदय में क्या प्रेरणा ऐसी आई, उन्होंने मस्तक मुंडन करके क्लीन शेव होकर अपने गुरुदेव के चरणों में आश्रय लिए। हरे कृष्ण। ये बच्चे एक एक कर के बच्चे मेडल महाराज को दो, इतने 6-12 मेडल महाराज जी के पास दो, फटाफट दो भाई भाग के, फटाफट दो भाग के, ये महाराज जी के पास एक एक करके जाएंगे और महाराज जी के कर कमलों से ये मेडल लेंगे। चाहिए एक एक कर, अच्छा आप से प्यार बहुत ही बढ़िया, महाराज जी खुद से प्यार है, अगली टीम तैयार है। महाराज सिर्फ स्टेज पे आने में तैयार हैं, थोड़ा कष्ट तो जरूर है पर अभी सिस्टम ऐसा है। हरे कृष्ण, कार्तिक बैठो, हरे कृष्ण। उसके बाद हमारे गुरलीन प्रभु, सरदार गुरलीन सिंह आई, तानिश
थोड़ा बीमार है आज कार्तिक का थोड़ा बीमार फिर भी है धर्मवीर प्रभु हमारे भारती महाराज जी को यंगमैन बोलते थे आज हमारे युवा संगीत के यंगमैन आई सरदार कुलदीप सिंह महाराज जी इसकी एक विशेषता बताते देखो हम बच्चों में खेल रहे हैं ये जो भी आपने लोगों ने कहा ये लोग अच्छा तो ये लोगों ने डिजाइन किया तो कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होगा सॉफ्टवेयर को जान ये एबीसी नहीं जानता इसने ड्रोन कर करके बार बार भेजा और मत्था मारा कंप्यूटर के साथ ये जो वीडियो आपने देखी और ये लोगो सरदार गुरलीन सिंह ने रात रात भर जागते कल सारी रात कल सोए नहीं ये देख अभी हमारे मठ की जो दूसरी टीम बन रही है माता लोग जाते धीरे धीरे बच्चे के दांत निकलते बच्चा हाथ हिलाने शुरू कर देता है स्माइल करना शुरू कर देता है फिर बच्चा और बड़ा होता है खिलखिला के हंसता है माता को बहुत अच्छा लगता है उसके बाद उद्धव जल्दी आ जाओ राघव लाला जी का बेटा लाला जी का ग्रैंडसन आज आया नहीं मेरे को और चंदू जगदीश शाबाश ये एक साल में ये संकीर्तन टीम तैयार हुई जी बच्चे थोड़ा थोड़ा चलना सीख गए शाबाश
इनके मोबाइल छुप चुके हैं, टीवी पे पोगो कार्टून बंद हो गया है। शाबाश। महाराज जी ने आशीर्वाद देंगे।
सारी रात बीत गई।
शाम के समय लख हीरा तैयार होकर पुनः हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर में दोबारा मतलब द्वितीय बार द्वितीय दिवस सेकंड टाइम हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर में उपस्थित हुई। वहां तुलसी को प्रणाम करकर ठाकुर हरिदास के सम्मुख प्रस्तुत हुई। देवी, मेरे कारण कल आपको दुख प्राप्त हुआ, इसके लिए मेरा अपराध लेगा। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी करता हूँ, किंतु मेरी नाम संख्या पूरी नहीं हो पाई। आज मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। मैंने एक मास में 1 करोड़ नाम ग्रहण करने का संकल्प किया है। वह संकल्प अब पूर्ण होने ही वाला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। ठाकुर हरिदास से शुद्ध हरि नाम श्रवण कर ओ लख हीरा जिसकी मनोवृत्ति ठाकुर हरिदास को भक्ति पद से च्युत करने की थी, वो सारी रात कभी उठती कभी व्याकुल होकर बैठ जाती। रात पूरी निकलने को ही नहीं हो रही, सारी रात आधी रात का समय हो गया, शुद्ध हरिनाम
रामचंद्र खान से मनुष्य नहीं है, वह तो अबोध है, मूर्ख है। तीन दिन पहले जब आप यहाँ आई थी तो आपके आने का वास्तविक कारण मैं जान गया था, चाहता तो उसी समय यहाँ से चला जाता, किंतु आपके आपके उद्धार के उद्देश्य से ही मैं तीन दिन तक यहाँ रुका रहा। अपनी पाप संपदा से कमाई, अपनी पाप सिद्धि से कमाई समस्त धन संपदा को ब्राह्मणों में दान कर दो एवं यहाँ इसी घर में आकर वास करो, निरंतर हरि नाम करो एवं तुलसी देवी की सेवा करो। इस प्रकार जीवन यापन करते हुए तुम्हें अवश्य शीघ्र ही श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति होगी। हे कृष्ण, हे कृष्ण, इतना कहकर ठाकुर हरिदास उस भजन कुटीर को हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर वहां से चले गए। उस भजन कुटीर में लक हीरा को यह उपदेश देकर कि आज के बाद आप निरंतर हरिनाम करते हुए तुलसी सेवन करते हुए इस कुटीर में वास कीजिए और रोज हरिनाम निरंतर कीजिए। ठाकुर हरिदास के कथन अनुसार अपने गुरुदेव के कथन अनुसार वह वैश्य अब उसकी वृत्ति निर्मल हो चुकी थी, उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित हो चुका, प्रेम प्रकाशित हो चुका था। अब उसका जीवन केवल मात्र तुलसी सेवन और हरिनाम गान में निकलता। किसी दिन कुछ खाने को मिलता तो वह चने चबा लेती और कुछ नहीं मिलता तो वह उपवास रखकर मात्र हरिनाम से अपने प्राणों की रक्षा करती। थोड़े ही दिनों में लक्क हीरा जो कि वैश्य थी वो अब क्या बन गई, परम महंती बन गई और उसके दर्शनों को बड़े बड़े वैष्णव महान संत उसके दर्शनों को आते। ये साधु संघ का फल है। ये इस प्ले के थ्रू आप सबको दिखाया गया। इस प्ले में इन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति की है। मेरा आपसे आग्रह है कि इनका अपनी तालियों द्वारा उत्साहवर्धन करिए। हमारे पास बहुत कठिनाई से हम ये सेवा कर रहे हैं, परंतु ये जो धन हमने प्राप्त किया है, ये जो हमने कथाएं अपने गुरुदेव से वैष्णवों से गुरुवर्ग से श्रवण की है, इन गुरुदेव की सुनाई हुई कथाओं को इस नाटक के माध्यम से आप तक प्रस्तुत किया गया। ये आसान नहीं था कि एक विवाहिता स्त्री को हम एक वैश्य का रोल देकर यहाँ पे आपके सामने उपस्थित करें, परंतु आप सबकी कृपा से इन्होंने देवी ने माना और इसको खूब बढ़िया से निभाया। हरे अगला कार्यक्रम सबर 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 का फल मिलता होगा। अगला कार्यक्रम अगर लोग बोर हो रहे तो हमारे माता जी क्या कराते थे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब क्या हो गया, अगड़ाई भी हो गई।
अगला कार्यक्रम ये बच्चों के लिए, बच्चों की प्रसन्नता के लिए। थोड़ा इधर आ जाओ प्रभु जी, उधर सामने सामने आ जाओ, थोड़ा इसी तरह सामने आ जाओ। और ये बच्चों ने ही, ये बच्चों ने ही प्लानिंग किया इसका। हमारे श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ के बच्चों ने आपके लिए कोई बोरिंग प्रोग्राम नहीं रखा, कोई बोरिंग प्रोग्राम नहीं रखा, कोई नित्य कीर्तन बड़ा कठिन स्टेप नहीं रखा। बच्चों के लिए क्या रखा? रॉक कंसर्ट, रॉक कंसर्ट। कौन सा रॉक कंसर्ट? अभी तो पहले बोला फिल्मी गाने नहीं गाने, संकीर्तन रॉक कंसर्ट। तो अगला कार्यक्रम संकीर्तन रॉक। ये बहन और भाई, बहन मानवी अपने भाई तानिश को समझाती है कि भैया संडे संडे की तो बात है, 10 से 12 दो घंटे का काम है, श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ के कार्यक्रम में चला करो ना। क्या दीदी बालों बालों करते रहते हो, क्या रखते हैं ये सब में? कभी थोड़ी तो करते, कभी पता चलेगा क्या रखा है इस सब में। कितना नाम है, कितना रस है हरे नाम में। कभी चल तो मंदिर, आकर तो देख। मंदिर बोरिंग प्लेस, क्या बोरिंग बोरिंग। कभी आकर तो देख, श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ है, ये बोरिंग नहीं है। कभी संकीर्तन में आ तो। वो आपको क्या लगता है, रॉक कंसर्ट जाने वाला संकीर्तन में जाएगा? मैं तो रॉक कंसर्ट में जाऊंगा, बढ़िया बढ़िया गाना सुनूंगा। कोई बात नहीं, तू मेरे घर पर एक बार आ, ये श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ है, एक बार तो चल। चलो चलो देख लेंगे। हाँ ठीक है। हरि बोल, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्या तानिश को मंदिर लेकर आ रहा है, पर उसे तो रॉक कंसर्ट जाना है, कुछ तो करना पड़ेगा, मंदिर तो लाना ही पड़ेगा। आप कुछ लेकर आओ। निहारिका माइक, माइक माइक ऑन, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। आप उसे लेकर आओ, बाकी हम देखेंगे। ठीक है, तानिश, तानिश चला।
निश्चित ऊर्जा नहीं है। आज तक तो बड़ी से बड़ी कोई क्रांति हुई है उसमें किसी क्रांतिकारी को देख लीजिए कौन मिलेंगे? 90 साल के बुजुर्ग युवा मिलेंगे, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन हो, चाहे किसी ने किसी देश के ऊपर आक्रमण किया है, सामने छाती पर तीर खाने वाला कौन है? युवा है। तीर चलाने वाला कौन है? युवा है। युवाओं में एक वोल्केनिक एनर्जी रहती है, एक एनर्जी का ज्वालामुखी भंडार रहता है जिसे आपका मातृ यह कह देना कि बेटा पढ़ाई कर ले, बेटा पढ़ ले, इससे बात नहीं बनने वाली। उसकी जो एनर्जी, इतनी एनर्जी, अनसरमाउंटेबल एनर्जी जिसे आप बांध नहीं सकते, उसको मोड़ सकते। उस युवा को आज आनंद चाहिए। तो जो ये तानिश बच्चा था, आ गया तानिश, तानिश और दर्श की बहन को बुलाओ। ये क्या बोलता है? इतने मंदिर मंदिर जाना तो बेकार काम है, ओल्ड फैशन है, ये तो बुजुर्ग लोगों के लिए या उनके लिए जिनको भगवान से कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मंदिर जाके आनंद प्राप्ति, ये कोई विषय, ये कोई बात, ये कहां से आनंद मिलता है? पर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज क्या बोलते हैं, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? Even a dog can take part in this Harinam Sankirtan. Even a child can take part in Harinam Sankirtan. आज माने तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा छोटा बेटा, ये बिल्कुल छोटा सा था, अभी बोल भी नहीं, हरि बोल करो, हरे कृष्ण करो, हिल जाते हैं। Even a child can take part in Harinam Sankirtan. Or even a dog can take part. तो क्या हम अपने बच्चों को संकीर्तन के लिए नहीं है सकते? क्या चीज रोकती है? मुझे माता जी कल कहते हैं, यही बैठे माता जी, वो बहुत प्रेम करते हैं मेरे साथ, बहुत आशीर्वाद करते हैं, मुझे बोलते हैं ये प्रभु जी आपकी क्लास में आने से डरते हैं। पहली बार तो मैं क्लास नहीं लेता हूँ, कोई ना कोई वक्त आता है, हम टॉपिक जरूर हम रखते हैं, तो क्लास में आने से तो आदान प्रदान इष्ट गोष्ठी अच्छी तरह से चले, हम टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। उमेश आपसे मैं पूछता हूं, है ना, तो वो उमेश जवाब देगा, उमेश जवाब दे, इसके लिए वो एक हफ्ता तैयारी करके आएगा, ठीक है? तो माता जी बोलती, प्रभु जी आपके यहां पूछ गिछ बहुत होती है, पूछ पछाई बहुत है, मेरे बच्चे तो नहीं आते। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर हमारे यहां पूछ गिछाई होगा तो वो कुछ सीख के जाएंगे, उनके मंगल के लिए कुछ पाची होगा। कोई पूछने वाला नहीं, तो आप सड़क पे बहुत लोग जा रहे हैं, किसी को क्यों नहीं बुलाते हैं? कोई पूछने वाला तो है, एटलीस्ट भजन में तभी उन्नति होते हैं। और अगर पूछताछ के लिए डरते हैं तो क्यों भेजते हैं अपने बच्चों को स्कूल में? उनको भी बोले से परीक्षाएं रद्द करते, पूछ के रद्द करते सब कुछ, दे विल नॉट गेन एनीथिंग। अनुशासन इंपॉर्टेंट है। ये श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ में पालन होता है। जो लोग आते हैं बच्चे आपके सामने, आपकी ऊर्जा देखिए, आज के जमाने में कोई बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, मेरा छप्पन बच्चे हैं, धूप में छत में जाकर रिहर्सल करते रहे एक हफ्ते से, किसी से पानी नहीं मांगा, मांगा तो कुछ नहीं थी। ये बच्चे वो है जो हमारे कहने पर नाचने को तैयार हो जाएंगे, बोलते हैं बच्चे प्रभु सन्यासी बैठे सामने नाचना चलती है। मैंने कहा तुम्हारा इंटेंशन क्या है? मंतव्य ठीक होना चाहिए, बाकी गुरु वैष्णव भगवान कृपा करें। अगला कार्यक्रम आपके सामने इन्हीं बच्चों द्वारा। बेटे तुम पीछे जाओ, अरे पीछे जाओ, आप कुछ लोग बोलने दे। जो बच्चे अभी आपने नाचते कूदते अनुशासनहीन देखे, ये बड़े अनुशासित बच्चे हैं, अब
अभी आपके सामने हमारे श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ में जो हर संडे क्लास दी जाती है उसमें से शिक्षा अष्टकम उसका पाठ करेंगे। हमने शिक्षा अष्टक बृहद रूप से चर्चा किया, शिक्षा अष्टक श्लोक की चर्चा किया, उसके साथ अंत लीला चैतन्य चरितामृत से जो पयात है, अंत लीला चैतन्य चरितामृत से जो उसके साथ रिलेटेड पयात थे उनको खोल के समझाया। तत्पश्चात भक्ति विनोद ठाकुर की हर श्लोक के साथ एक गीति है उसको खोल से समझाया, ना केवल समझाया इनको तैयार के इनसे पूछा। तो आपके सामने ये बच्चे पहले शिक्षा अष्टक आठ श्लोक बोलेंगे, तत्पश्चात उपदेश अमृत श्री रूप गोस्वामी कृत उपदेश अमृत ग्रंथ ग्यारह श्लोक आपके सामने बोलेंगे। आप लोग अपनी तालियों से और अपने अभिनंदन से इनका भरपूर हौसला अफजाई कीजिएगा। हरे कृष्ण। जगत सर्वं गोविंद विरहेण मे। श्री शिक्षाष्टकम
श्री उपदेशानि श्लोक संख्या 8 तन्नाम रूप चरित्र
ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਕੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਿਮਤਿਓ ਕਰਮੇ ਰਸਨਾ ਮਨਸੀ ਨਿਯੋਜ ਤਿਸ਼ਠਨ ਬ੍ਰਜੇ ਤਦ ਅਨੁਰਾਗੀ ਜਨਾਨ ਵਾਮੀ ਕਾਲਮ ਨੇਤ ਅਖਿਲਮ ਇਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਮ। So
श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ में हो गए। उससे पहले मैं 4 साल अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंत्रित संघ से जुड़ा था और मैं गृहस्थ हूँ। 25 साल से मैं व्यापार भी कर रहा हूँ, बिजनेस भी कर रहा हूँ। ये स्टेज में आकर बड़ों बड़ों को बहुत कुछ याद होता है, वो भी टांगे कांप जाती हैं, हाथ थरथराने लग जाते हैं, अपना नाम तक भूल जाता है। ये बच्चे सब जानते हैं, परंतु पहली पहली बार ये देखो आप लोगों के सामने स्टेज किया है ना। मैं इसलिए समझ सकता हूँ कि मेरे थोड़ा पुराना हो गया ना, पड़ा पड़ा जन्म जाता है, अभ्यास हो जाता, कोई देखी जाएगी कोई बात नहीं है ना। पर बच्चों का उत्साह वर्धन के लिए मेरा दिल टूट गया, ताली कोई नहीं। ये जो अभी 10 मिनट में इन्होंने बोला है, आप इमेजिन करिए इन्होंने कितने दिन की इसकी तैयारी की होगी। किसी एक बच्चे को बुलाकर उसका हाथ भी पूछ सकते हैं। ये स्टेज थियर होता है, थोड़ा इनका बच्चा कहीं फंकल कर दिया। अगला कार्यक्रम, अच्छा तुम बोलना चाहते हो, एक बच्चा नरसिंह मंत्र करेगा, राधिकेश है हमारा बच्चा, 7 साल का बच्चा नरसिंह मंत्र करेगा। सबके साथ तो कुछ किया नहीं, इसके साथ कीर्तन कर ताली जरूर बता दिया। अरे राधिकेश हमारे गुरु भाई है, विशाल प्रभु उनका पुत्र है, ये बहुत अच्छे कीर्तन करता है, अनेकों कीर्तन जानता है। अभी आप सबके साथ नरसिंह मंत्र करेगा, तत्पश्चात महामंत्र गा के कर देंगे, सबको ताली बजा के है ना। समझ कर परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु
नित्य प्रति रोज ठाकुर हरिदास के पास जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भेजते। आज की हमारी अंतिम लीला, अंतिम नाटक, अंतिम प्ले, अंतिम ड्रामा और आपसे अंतिम आशीर्वाद जो हम चाहते हैं, हरिदास ठाकुर की निर्याण लीला अभी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे हमारे श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ठाकुर हरिदास की निर्याण लीला। एक मिनट मेरा इस प्ले में हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं निपुण गुप्ता, निताई दास, तानिश और जगदीश, गोविंद रूप से तानिश और महाप्रभु रूप से जगदीश, ठाकुर हरिदास जो आपने पहले भी देखे वो निताई दास। प्रकार है रोजाना की तरह ठाकुर हरिदास सिद्ध भकुल पे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे और गोविंद रोज की प्रकार पास। अच्छा भी आप देख रहे हो ठाकुर हरिदास पहले कैसे थे, अब कैसे ठाकुर हरिदास लख हीरा की लीला में नव युवक थे और अब वो वृद्ध हैं, बहुत वृद्ध हैं। ठाकुर हरिदास सिद्ध बकुल पे हरिनाम कर रहे हैं और महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का महाप्रसाद गोविंद के माध्यम से उन तक भेजा। दंडवत प्रणाम प्रभु। श्रीमद महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर से आपके लिए प्रसाद भेजा है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं? हाँ मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किंतु महाप्रभु ने प्रसाद भेजा है उसका लंघन नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं एक कर्म मांगने के लिए उसका सम्मान करूँगा। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। गोविंद ये समाचार लेकर कि ठाकुर हरिदास प्रसाद नहीं पा रहे, उन्होंने मंत्र प्रसाद की सम्मान देने के लिए एक ग्रास अपने माथे पर लगाया, एक ग्रास मात्र ली परंतु प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो बाकी वापस भेज दी। ये समाचार गोविंद जाकर महाप्रभु से देते हैं। मैं अभी जो आपने प्रसाद भेजा मैं हरिदास ठाकुर जी को देख रहा है, उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं, उन्होंने प्रसाद तो पाया लेकिन केवल एकमात्र करने के प्रणाम के। अच्छा ये बात है, जाकर देखना पड़ेगा। ठाकुर हरिदास क्या हुआ
तेरा प्रेम तो तक है किंतु मन तक नहीं है। तो क्यों, क्या समस्या है हरिदास? पात्र नाम संख्या कोई नहीं होता है। हरिदास, अब आप काफी वृद्ध पुरुष हो गए हैं, अब आप अपनी नाम संख्या कम क्यों नहीं कर देते? आप तो मुख्य पुरुष हैं, जीवों के कल्याण मंत्र के लिए आप प्रकट हुए हैं। आपने नाम रस का आस्वादन बहुत कर लिया है, अब आप नाम संख्या कम करके संकीर्तन किया कीजिए। मेरा जन्म तो नीच जगत में हुआ है, आप तो कभी काल में ताके जरूर करो ऐ थे दया पाओ। आप तो कौए को भी जरूर करते भाई हैं, तो मेरी ये इच्छा पूरी कीजिए। तो बहुत दिनों से ना जाने क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप और समाप्त करने वाले आपका विजय दुख से सहन नहीं होगा। तो कविनाशा पूरी संकीर्तन करते करते ठाकुर
हरे राम
भंडारे में स्वयं सबको परिवेशन कर रहे हैं। थोड़ा आशीर्वाद आत्मक वचन बोले तो आपका बड़ा
मेरे पास अच्छा एक चीज़ पूर्णिमा पे एनुअल फेस्टिवल पे भक्ति शास्त्री कोर्स होता है उसमें पूरे भारत से वैष्णव वैष्णवियां आती हैं और उसकी परीक्षा देती हैं उस परीक्षा में श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ के एक्टिव पार्टिसिपेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मानवी और उसकी माता जी अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौरव की ओर से अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौरव के जो संस्थापक इस द्वैत शिला भक्ति दलित माधव गोस्वामी महाराज जी ने इस प्रथा को प्रभुपाद जी ने इस प्रथा को आगे बढ़ाया वर्ष में एक बार जिस दिन चैतन्य महाप्रभु का प्रकट दिवस होता है गौरपूर्णा में भक्ति शास्त्री का पेपर होता है आप भी उसमें दे सकते हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चंस शिक्षा सकम बुद्धि सामृत जैव धर्म श्रीमद् भगवत गीता और मुख्य रूप से चैतन्य चरितमृत से होते हैं और बड़े आसान होते हैं हमारे गुरु महाराज परमानंद श्री भक्ति क्लब के गोस्वामी महाराज जी ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया हर साल गुरु महाराज जी क्वेश्चन पेपर बनाते थे गुरु महाराज जी ही जो आंसर सीट होती है उसको चेक करते थे गुरु महाराज जी अपने हाथों से इस सर्टिफिकेट से भक्तों को देते थे गुरु महाराज जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आजकल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं कुछ बार निधनी स्वामी शिशु भक्तिश्वर जितेंद्र महाराज जी उस भक्ति शास्त्री पेपर को लेते हैं आज का जो सुंदर कार्यक्रम हुआ श्री चैतन्य युवा संकीर्तन संघ की ओर से मैं ये सर्टिफिकेट कलकत्ता मायापुर से जो आएंगे तो उससे पहले मैं प्रार्थना करूँगा हमारे स्कॉन से स्कॉन के जो फाउंडर है इस डिवाइन ग्रेसिला ऐसी भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद उनके कृपा पात्र है कृष्णकांति जी मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा पहले दो शब्द उनके हो तब पश्चात कुछ बात आज जो श्री चैतन्य युवा संकीर्तन संघ का कार्यक्रम हुआ इसमें जो हमारे हितेश जी हरिवल्लभ जी का जो एनर्जेटिक जो एंकरिंग थी उनको सिखाने वाले कृष्णकांति जी प्रार्थना करो कृष्णकांति दो सकते योग्य थे कुछ जो बात कृष्णकांति भारत भूमि के कृष्ण राम जन्म साल तक लेकर पर हॉस्पिटल भरे हुए हैं लोग दुखी हैं और एक चंदना के पास से सारे जुड़ जाएंगे कहते हैं चंदना वो परम जान परम करूँगा पहाड़ भी या नानी चाहे तुम्हें चंदना कृपा है तुम उसको बांधे और अपना जन्म साल तक इस कार्यक्रम में एंकरिंग तो बहुत अच्छी थी साथ में बार बार जो गुरु महाराज जी का नाम लिया गया और गुरु महाराज जी ने जो ये युवाओं को प्रेरणा देने के लिए युवाओं को हरिभक्ति में उत्साह देने के लिए जो नाम दिया श्री चैतन्य
संकीर्तन युवा संघ, इससे गुरु जी के प्रति और श्रद्धा हमारी बढ़ी कि गुरु महाराज जी हर वर्ग के, चाहे वृद्ध है, चाहे बच्चे हैं, युवा है, युवतियां हैं, बड़ी जाति के, छोटी जाति के, गरीब है, अमीर है, हर एक को हरि वचन में आगे बढ़ा रहे हैं और हर एक को गोलोक धाम ले जाने के लिए प्रस्तुत है। आज का जो संकीर्तन ये कार्यक्रम हुआ युवा संकीर्तन मंडल का वार्षिक कार्यक्रम, इसमें देखो हर तरह का टेस्ट, जो रॉक संकीर्तन हुआ उसमें हृदय खुशी से झूम उठा, शिक्षा स्तर उपदेश अमृत के जो श्लोक बच्चों ने उच्चारण किए, संस्कृत के श्लोक तो चाचा तो मुझे भी याद है, सारे तो मुझे भी याद नहीं है, जो संस्कृत के श्लोक उच्चारण किए उससे हृदय में एक हैरानी आई कि हमारे मठ के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं। उसमें हर एक हृदय रो पड़ा, हर एक के आंखों से आंसू आए और सचमुच ऐसा लगा कि हरिदास ठाकुर जी ने समाधि में जाने की लीला करी। कैसे पता लीला करी? जब उनको समाधि थी उस वक्त उठ के चले गए, तो ऐसे पता लीला ही हुई है ये। तो बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम हुआ। मैं हमारे चंडीगढ़ मठ के जो मठ इंचार्ज है पूज्य भारतीदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विलास बामन महाराज जी, उनको प्रार्थना करूंगा वे दो शब्द निवेदन करें और सर्टिफिकेट अपने आप से दे। पूज्य भारती बामन महाराज जी, इसमें हमारी बिटिया
जिसका नाम है माधवी छाबड़ा, जिसने फर्स्ट डिवीजन एंड फर्स्ट पोजीशन। कृष्ण
करण करण पंचकुला से ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बहुत सेवा करता है। शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम है जिस बच्चे ने मिस किया है, कोई प्रोग्राम नहीं मिस करता। सबसे पहले आने वाला हूँ करण, करण बाबू फ्रॉम खरल निताई प्रभु फ्रॉम गोलोक वृंदावन धाम परम वैष्णव, ये जितने सेवाएं दे रहे ना ये इस युवक के बिना नहीं होना था। उमेश प्रभु हमारे मठ के जितना सॉफ्टवेयर है और जितने क्रिएटिव्स हैं वो ये बनाते हैं और ये भेजते हैं। उमेश प्रभु आज उमेश प्रभु आओ, ये पीछे पीछे जितने सुंदर सुंदर क्रिएटिव आप देखते हैं सबको मेडल प्राप्त हो गए, सब लोग स्टेज से मंदी को भेज चुके हैं। भावना के लिए भेज दिया, भावना के लिए भेज दिया। अच्छा हाँ जी, जलंधर से और हमारी गुरु बहन आई है उषा माता जी, कृष्ण गोपाल की मम्मी, हमारे पुष्पा त्रिवेणी स्वामी भवन महाराज जी के पूर्वाश्रम से उनकी सुपुत्री उषा माता जी फ्रॉम जलंधर कृपा करके चलती है। एक विशेष हमारे हरि कथा बोलने वाले प्रभु जी राजन नंदा हाई कोर्ट से रजिस्ट्रार राजन नंदा उषा माता जी आ जाएं। हमारे श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ के एक्टिव मेंबर और कथा भी बोलने वाले राजन नंदा प्रभु, विशाल प्रभु, विशाल प्रभु बात क्या प्रभु सब लोग बोले। अच्छा एक अति विशिष्ट सेवा मेडल जैसे होता है ना, कुछ लोग हैं जिनके आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति के बिना ये चैतन्य संकीर्तन युवा संघ का कार्यक्रम नहीं होता। हमारे प्रधान गोपाली प्रभु, हमारे चैतन्य चक्रवर्ती प्रभु, चैतन्य चंद्र प्रभु आप आए, हमारे गौर सुंदर प्रभु ये रेगुलरली हमारे प्रोग्राम में आने वाले, हमें आशीर्वाद देते हैं, हर प्रोग्राम में ये मौजूद रहते हैं। सबसे पहले हमारे चक्रवर्ती चैतन्य चरण प्रभु गौर सुंदर प्रभु, तत्पश्चात गौर सुंदर प्रभु चैतन्य चरण प्रभु प्रधान कृपाणी प्रभु दुआ प्रभु जी कार्यक्रम यहाँ शेष होने वाला है। हमारा मठ का एक एक्टिव पार्टिसिपेंट जगदीश कुछ बोलना चाहता है, उसे जगदीश को बोला जगदीश कुछ बोलना चाहता है। सब बरात निकल गई दुर्गा पीछे रह गया, बरात मानी जाएगी करोड़ों रुपए खर्च कर दो तू मर गया
जो मैं बहुत खुश कर रहा है, बड़ी बधाई हो, थोड़े दूर बैठे हैं।
और पिछले बात कर रही है इधर आओ की फोटो 5 7 3